सावरकर का जीजा लग रहा था, गोरे अंग्रेज की फूफा लग रहा था। जहाँ देश में 12 रुपया महीना पेंशन टीचर को वेतन मिलता था, 60 रुपया महीना सावरकर को क्यों दिया जा रहा था, आप बता दीजिए। देख लीजिए आप, 9,000 करोड़ का विजय माल्या का घोटाला, 2,000 रुपये का सुप्रीम कोर्ट फाइन किया, किसके इशारे पर हुआ? अरे भैया कम से कम 9,000 तो फाइन करते, कम से कम 10,000 तो करते। तो ये सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। देश का कोना कोना बेच देंगे, ये आए ही इसलिए हैं। जिन कॉरपोरेट घरानों के उड़न खटोलों पर ये घूम रहे, समझिए, उनका चुकता कर रहे। जैसे श्रीलंका ने चाइना का जो एहसान था उसको चुकाने के चक्कर में श्रीलंका को गर्त में ढकेल दिया, ये अंबानी अडानी के चक्कर में पूरे देश को कटोरा थमा देंगे। सोना दिया सोनार को पायल बना दिया, लोहा दिया लोहार को हथौरा बना दिया, वोट दिया फक्कर फकीर को हाथ में कटोरा थमा दिया, सबको थमा देना है, समझिए। ये अपने जवानी में 40 साल मांगा है, कोई आदमी 40 साल भरी जवानी में हाथ पर सलामत रहते भीख मांग सकता है? इन्होंने मांगा है और अब्बास को पकवान खिलाया है, वाह कमाल है, वाह मोदी जी, मोदी है तो मुमकिन है। इनका गुजरात में देखिए ना, भ्रष्ट गुजरात मॉडल। चुनाव आयोग जो है कि क्या हाल है, सुप्रीम कोर्ट का क्या हाल है, केस नहीं दायर होता है उसको देख ही रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का स्थिति, ईडी का हाल आप देख ही रहे हैं। नारायण राणे जी कांग्रेस में थे, ईडी दे ताबड़तोड़ छापा मार रहा था, जब से आप भाजपा में आए मंत्री हो गए। ईडी एक नाथ शिंदे पर आप, भावना गबली पर आप कार्रवाई नहीं होगा चूंकि सरकार में आ गए। ईडी वही असम के मुख्यमंत्री पर और बंगाल के जो भी नेता प्रतिपक्ष हैं, कार्रवाई हो रही थी उसको क्या बना दिया, प्रतिपक्ष का नेता, अब राजा हरिश्चंद हो गया, अब शारदा नारदा की बात नहीं होगी, अब गरीब आदमी का पेट काटा हुआ पैसा का कोई खोज खबर नहीं होगा। वही असम के मुख्यमंत्री को ईडी अब नहीं कार्रवाई कर रही, ऐसे 6,000 मामले हैं। आप समझिए देश श्रीलंका के रास्ते हैं, देश बिल्कुल श्रीलंका जैसी स्थिति बिल्कुल दहलीज पर खड़ी है, ये किसी बात को किसी को चिंता नहीं है। क्या हुआ श्रीलंका में, श्रीलंका में जो अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक, आज कौन कंट्री उसको दिया, मुस्लिम कंट्री ही तो शरण दिया। जिस मुसलमानों के प्रति श्रीलंका के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आग उगल रहे थे, आज कहाँ शरण लिए। देखिए हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है, ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा, ये देश क्षमता मूलक समाज धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात जो बाबा साहब ने अधिकार दिए हैं लोगों को उस पर चलेगा। ये कौन लोग हैं, कौन लोग हैं? अरे भैया गोरे अंग्रेज डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को लाया, आप देश की आज़ादी के समय भी वही कुकर्म कर रहे थे, आज भी वही कुकर्म कर रहे, तब सांप के बच्चा सांप ही रहेगा, सांप का बच्चा कोई फूल उगलेगा। ये उसी सपोले के लोग हैं जो देश को आज़ाद नहीं होने देना चाहते थे। 1942 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने गोरे अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी थी कि देश आज़ाद नहीं, कि जो लड़ाई लड़ी जा रही है भारत छोड़ो उसको कुचला जाए। ये उसी सपोले के लोग हैं जो सावरकर ने 3 शर्तों पर समझौता किया था, कि उस समय देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस, मुसलमान और किसी भी देश के आज़ादी का जो मूवमेंट चलेगा उसमें भाग नहीं लेगा। गुजरात में क्या ये कहते थे, हाइपोक्रेसी है भाई, हाइपोक्रेसी है, कभी दीवार घेरना पड़ता है, कभी ये लगाना पड़ता है, तो कभी कुछ भी करना पड़ता है। तो ये प्रधानमंत्री अपने आप को समझ ही नहीं रहे, ये भाजपा के प्रचार मंत्री समझ रहे, विनाशकारी प्रचार मंत्री हैं। सिर्फ कोई भी चुनाव होगा अखाड़ा ताल ठोक लेंगे, भाइयों बहनों मित्रों कहते क्या कारण है, जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री का चरित्र गिरता है। तो भैया आपका, अब आप बताइए ना कि आपका चरित्र गिर गया है, आप कहाँ नहीं बोल रहे, ये करेंसी कोई कागज़ का टुकड़ा नहीं है, बड़ा तांडव करते थे महंगाई पर, आज प्रधानमंत्री को साथ का जो साथ है वो छोड़ ही नहीं रहा है। प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए, कभी प्रधानमंत्री से आपने सुना कि कैसे रुपया और डॉलर को बराबर करेंगे, कोई विजन नहीं है, भूटान के बराबर कर दिए, कहाँ वर्ल्ड की तीसरी अर्थव्यवस्था थी भारत, आज हम 164वें 165वें पायदान पर हैं, आप सोच लीजिए। तो क्या से क्या बना दिए ये पता नहीं, पसान कान में ले जाएंगे, सभी बैंकों को बंद करके कहेंगे गुल्लक में घरा में पैसा जमा करो।